फ्रेंड्स, आपको पता है मक्खी हमारे घर में, एक मक्खी हमें बहुत परेशान करती है और सोने भी नहीं देती। पता है कल ना वो मक्खी हम जब सो रहे मेरे पैर पे आ गई थी, आज जब हम आए और नहाया उसके बाद में कपड़े चेंज करे मेरे हाथ पे आ गई थी वो मक्खी, और अभी तक बहुत घूम रही है। हमको बहुत डर लग रहा है, रात हो गई है, पता नहीं वो मक्खी कौन है। रोज़ मुझे किसी ना किसी चीज़ का संकेत देती रहती है पर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। दिखाए वहाँ मक्खी भाग गई। फ्रेंड्स देखो ये उड़ रही थी, ये कहाँ चली गई, देखिए आप लोग यकीन नहीं करोगे। ये देखो है मक्खी, ये देखो दो मक्खियाँ आ गई। ये पता नहीं रोज आती हैं मेरे पास, रोज रात को जब हम हॉस्पिटल से आते हैं तब ये मक्खियाँ आ जाती है, और ये खासकर एक ये तो मुझे कभी सोने ही नहीं देती है और मुझे बहुत डर लगता है, मैं रोए खड़े हो गए। फ्रेंड्स हमें बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें, ये मक्खी का मक्खियों का इलाज तो कोई है नहीं, कोई बाबा आबा हैं जिनसे हम पूछे, कोई बाबा हैं फ्रेंड्स जिनसे हम पूछें कि हम मक्खियों से छुटकारा कैसे। कभी पैर पे आ जाती है, कभी हाथ पे आ जाती है, अब हम क्या करें, किसको बताएं जाके, कोई हमारे बात का यकीन भी नहीं करेगा कि मक्खी वाला, मतलब जो हम बता रहे हैं मक्खी वाली बात वो सच है कि झूठ। तो हमने आपको दिखा भी दिया वो मक्खी नकली नहीं थी फ्रेंड्स, वो मक्खी असली थी। वो देखो मेरे फ्रिज पे बैठी है अभी तक की जाती नहीं। देखा अब आप ही बताओ, रात को कहीं मक्खियाँ आती हैं कहीं नहीं, वो दिन में मक्खियाँ आती हैं रात को नहीं आती हैं, लेकिन हमारे घर में रात को मक्खियाँ आती हैं, हमको बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स अब हम मक्खी को पहले देखें, कोशिश करते हैं भगाने की, फिर हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे कि मक्खी का क्या हुआ। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था, देखो हमने झूठ नहीं बोला है। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, कमेंट करके बताना कोई मक्खी भगाने वाला कोई राज हो तो। बाय।